तो नीतीश कुमार जी से हमारी अच्छी दोस्ती, मतलब दोस्ती थी, अभी उतनी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी आज हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं है, कभी और भी हमारे साथ कभी आ सकते हैं, और मतलब राजनीति में कभी क्या होगा इसका भरोसा नहीं है, लेकिन ठीक बात है, जिंदगी में कभी मैं मंत्री बनूंगा ये मुझे मालूम नहीं था, और मोदी जी के भी सरकार में मैं मंत्री बनूंगा ये मुझे मालूम नहीं था, खाली नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि मैं मंत्री बनने वाला हूं, और इसीलिए मतलब जब नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ थे तब मैं मतलब मोदी जी के मैं साथ था, मैं अभी भी मोदी जी के साथ हूं, कल भी मैं मोदी जी के साथ रहूंगा, मंत्री पद चाहिए तो उनके साथ रहना है, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो हमारी कोशिश है कि आने वाले 2024 में भी बिहार के लोग बहुत बड़े होशियार है, हमारे मुंबई में बिहार के लोग बहुत सारे हैं, कुछ लोग बिहार के लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन मैं बिहार के लोगों की बाजू लेता हूं, बिहार के लोगों को मैं सपोर्ट करता हूं। मांझी साहब भी यहाँ बोलने वाले हैं, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, दलित समाज से वो आते हैं, दलित समाज को मुख्यमंत्री मिलता नहीं है, मिलेगा तो ज़्यादा दिन रहता नहीं है, ये भी मतलब बात है, तो इसी तरह मतलब है, और मतलब ये जब मुख्यमंत्री पर बने थे तो मुझे मालूम है कि वो बहुत बड़े डैशिंग भी आदमी है, बहुत बड़े एक्टिव भी आदमी है, लेकिन डैशिंग आदमी को ज़्यादा दिन टिकने बिहार की भूमि का मैं वंदन करता हूँ, बिहार के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बुद्ध जयंती एक बहुत बड़ा फिलोसोफर आपने हमको तो दे दिया है, और इसीलिए बिहार की जनता बहुत बड़ी एक्टिव है, हमारे मुंबई में बिहार के लोग बहुत सारे हैं, वहाँ मतलब कुछ लोग बिहार के लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन मैं बिहार के लोगों की बाजू लेता हूँ, बिहार के लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, यूपी के लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, और अगर ये मुंबई खाली हमारी है ऐसा बोलने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम मेरी पार्टी करती रहती है, कुछ लोग बोलते हैं भाई इनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, कोई क्यों नहीं अधिकार है, मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ किसी को भी आने का अधिकार है, और बिहार के लोग बहुत बड़े होशियार है, एक बार मैं सोमनाथ चटर्जी के साथ मैं गया था, त्रिनिदाद टोबैगो नाम की कंट्री है अमरीका के बाजू में, हमारे अपने मियामी जो है अमेरिका में, वहाँ से हम फ्लाइट से गए थे, और वहाँ बिहार की 225 फैमिली अंग्रेज़ों ने खेत के गन्ने के खेतों पर काम करने के लिए ले गए थे, और वहाँ कम से कम 80% बिहार की पॉपुलेशन है, वहाँ का प्रधानमंत्री बिहार का होता है, वहाँ का अपोजिशन लीडर बिहार का होता है, बहुत सारे MP वहाँ के बिहार के होते हैं, मैं अभी मॉरिशस गया था, मॉरिशस में भी मतलब मॉरिशस एक छोटी छोटी कंट्री है, 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी, इतनी ही वो कंट्री है, और अरेबियन सी के बाजू में वो कंट्री है, और मतलब वहाँ भी मतलब पूरे कम से कम 80% से ज़्यादा लोग अपने इंडियन है, इंडियन मतलब बिहार के लोग है, तो बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत ही एक्टिव काम करते हैं, और मतलब बहुत एक्टिव उधर बाहर जा काम करते हैं, लेकिन इधर भी एक्टिव काम करना चाहिए, इधर भी बिहार के लिए सब लोगों ने एक साथ आकर काम करना चाहिए, राजनीति तो होती रहती है, राजनीति तो विकास के लिए तो नहीं होनी चाहिए, हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास तो ही दिखेगा प्रकाश, तो मतलब ये काम हमारा भी चल रहा है, नीतीश कुमार जी आज हमारे साथ नहीं है कोई बात नहीं है, कभी और भी हमारे साथ कभी आ सकते हैं, और मतलब राजनीति में कभी क्या होगा इसका भरोसा नहीं है, लेकिन ठीक बात है, नीतीश कुमार जी एक सोशलिस्ट नेता है, मेरा और उनका बहुत ही अच्छा परिचय है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस सरकार में NDA में वो रेलवे मंत्री थे, और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, पार्लियामेंट में मैं हमेशा कविता करता हूँ, तो मैं सबके ध्यान में रहता हूँ, और मुझे नीतीश कुमार बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, जब गवई साहब के शपथ ग्रहण में भी मैं आया था, और गवई साहब यहाँ हमारे RPI के लीडर भी रहे हैं, और यहाँ के गवर्नर भी रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी से हमारी अच्छी दोस्ती मतलब दोस्ती थी, अभी उतनी नहीं है, लेकिन
लेकिन ठीक बात है, वो तो मतलब उनका काम कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन दलित प्रांतर के आंदोलन के बारे में मतलब जिस तरह आज यहाँ विषय रखा है, 50 साल पहले हमारे समाज के, दलित समाज के बहुत सारे साहित्यकार, कथा लिखने वाले, नॉवेल लिखने वाले, साहित्य वैचारिक लेखन लिखने वाले, बहुत सारे साहित्यिक जो कविता लिखने वाले, बहुत सारे लिटररी लोग लिखते थे, विद्रोही कविताएं लिखते थे, विद्रोही मतलब साहित्य लिखते थे। लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि खाली लिखने से फायदा नहीं है, वो लिखा हुआ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और उसके लिए जिस तरह ब्लैक पैंथर अमेरिका में थी, उसी तरह ब्लैक लोगों पर अन्याय होता रहा, और उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अमेरिका में ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई थी। तो जब इसी तरह का क्या संगठन शुरू करना है, तब तो मैं नहीं था, लेकिन जो राजा ढाले है, नामदेव ढसाल है, जवी पवार है, इन लोगों ने मतलब जो दलित पैंथर है, इधर वहाँ पर ब्लैक पैंथर है, तो यहाँ दलित पैंथर, दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला संगठन, दलित पैंथर ये संगठन किसी पर अन्याय करने वाला संगठन नहीं, दलित पैंथर ये संगठन है सभी को न्याय देने वाला संगठन रहेगा, दलितों को न्याय देने वाला संगठन रहेगा। और इसीलिए मतलब दलित पैंथर की स्थापना हुई थी, और दलित पैंथर का आंदोलन आगे आगे चलता रहा। बहुत सारे दलितों के लिए बुलंद आवाज़ उठाने का काम हमारे पैंथर करते रहे, और हमने मतलब हमारे शाखा का नाम छावनी दे दिया था, छावनी जिस तरह आर्मी की छावनी होती है, तो आर्मी की छावनी इसलिए होती है कि वो अपने बॉर्डर का संरक्षण करती है, वो मतलब बिना मतलब अपने बॉर्डर के आगे नहीं जाती है। वैसे पाकिस्तान के लोग आर्मी अपने अंदर आती है, चाइना की आर्मी अपने अंदर आती है, फिर हमको उनको भगाते हैं, तो वो काम एक करते हैं। लेकिन छावनी का अर्थ ये होता है कि अपने बॉर्डर की रक्षा करना, दूसरे के बॉर्डर के अंदर नहीं जाना। हम कभी दूसरे के बॉर्डर के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमारे बॉर्डर में आते हैं। ये पाकिस्तान वाले भी हमारे बॉर्डर में आए, जम्मू कश्मीर का 1/3 एरिया अपने हाथ में ले लिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई तभी ऐसा होना चाहिए था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तब कश्मीर का जो इलाका था, जम्मू कश्मीर का इलाका था, ये हरी सिंह राजा के ताबे में था। जब देश को आज़ादी मिली तब जम्मू कश्मीर हमारे में नहीं था, हरी सिंह राजा के ताबे में वो था। और फिर कश्मीर पाकिस्तान ने अचानक कश्मीर पर हमला करने के बाद वो आगे आगे आने लगे। फिर हरी सिंह राजा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और उसमें ये तय हुआ कि भाई इंडिया भारत मतलब हरी सिंह राजा को सपोर्ट करेगा, और जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा। इसी तरह का एग्रीमेंट हुआ था। फिर अपनी आर्मी वहाँ से चली गई, पाकिस्तान की आर्मी को रोका, तब तक उन्होंने 1/3 कश्मीर को अपने ताबे में ले लिया था। तो मतलब तभी एक युद्ध होना चाहिए था, तब वो पाकिस्तान वो पाक व्याप्त कश्मीर जो है अपने ताबे में आता था। तो रोज जो कुछ गड़बड़ हो रही है वो शायद नहीं होती थी, लेकिन ठीक बात है। तो इसी तरह मतलब हमारा दलित प्रांतर का जो आंदोलन है, ये दलित प्रांतर का आंदोलन, ये हमारी छावनी में जो बता रहा था कि हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेंगे तो उस हमले का जवाब देने के लिए हमारी छावनी काम करेगी। इसीलिए हमने छावनी नाम दे दिया था। और समाज को जोड़ने की भूमिका बाबा साहब की है, बाबा साहब ने समाज में समानता आनी चाहिए इसी तरह की भूमिका रखी है, संविधान में रखी है, अपने विचारधारा में बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते थे कि समाज में एकता निर्माण होनी चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ संविधान है, 1 man 1 vote 1 value, इसी तरह की भूमिका हमारी संविधान की है। संविधान लोकतंत्र में चलता है, और आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 vote से हारी थी, मतलब 1 vote को क्या कीमत होती है। ये अटल जी की सरकार जब 1 vote से हारी थी, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि 1 vote को कितनी कीमत है। तो इसीलिए अपने लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र में बहुत ही अच्छी तरह अपने ये मतलब लोकतंत्र अपना बहुत ही बड़ा मजबूत है। यहाँ बहुत बार खलिस्तान का आंदोलन हुआ, नक्सलवादियों का आंदोलन चलता रहा है, बीच बीच में थोड़े छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, अभी हमारे तो इसी तरह के जो झगड़े होते रहते हैं, लेकिन
अपने देश के एकता को बिल्कुल धोखा नहीं है। या हिंदू मुस्लिमों में कभी कभी विवाद होता है, दलित सवर्णों में कभी कभी विवाद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि भाई देश अपना मजबूत होना चाहिए। और दलित पैंथर की जो विचारधारा थी, दलित पैंथर ने मंडल कमीशन का सपोर्ट किया था, दलित पैंथर दलितों के लिए तो काम करता ही था, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए दलित पैंथर ने बहुत बार आवाज़ उठाई थी। दलित पैंथर ने मतलब ये मंडल कमीशन का 27% जो आरक्षण मिला है उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में देश भर में हमने आंदोलन भी किया था। और वीपी सिंह जी के टाइम पर जब रामविलास पासवान जी सोशल जस्टिस में समाज कल्याण मंत्री थे, तब ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने का निर्णय हो चुका था। और इसी तरह मतलब हम ओबीसी के लिए भी आवाज़ उठाते थे, हम भूमिहीनों को 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए इसके लिए हम आंदोलन करते थे, और हम मतलब जमीन पर कब्जा करने का आंदोलन करते थे महाराष्ट्र में। मतलब जमीन पर आंदोलन करने का आंदोलन हमने किया, और कम से कम 3.25 लाख एकड़ जमीन जो है ये दलितों के नाम पर, भूमिहीनों के नाम पर करने का निर्णय हुआ। और हमें मतलब सभी लोगों के गांव में हर फैमिली को 5 एकड़ जमीन रहनी चाहिए, बाकी की जमीन आप रखो लेकिन 5 एकड़ जमीन हमको दे दो, इसी तरह की भूमिका हमारी रही है। और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए इसके लिए हमने आंदोलन में हमने आवाज़ उठाई है। महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है इसके विरोध में भी हमने आंदोलन किया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए इसके लिए भी हमने आंदोलन किया है। और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने के लिए 17 साल तक हमने आंदोलन किया था। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम देने का निर्णय हो चुका था। शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस से मतलब बंडखोरी करके जब अलग हुए थे, और तब पुलो पुरोगामी लोकशाही दल जो है ऐसा एक दल स्थापित करके वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे, और उन्होंने आते ही मतलब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने का निर्णय लिया था। लेकिन मराठवाड़ा में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मराठवाड़ा में दलितों पर हमले हुए, कई लोग उसमें शहीद हुए, और फिर ये इशू पेंडिंग रहा था। फिर हम लोग हमेशा आंदोलन करते रहे, जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसके पास मांग करते रहे, जिले जिले में, तालुका तालुका में, गांव गांव में आंदोलन करते रहे। 17 साल तक हमने आंदोलन किया, और आखिर में दोबारा जब शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब मैं उनके मंत्रिमंडल में, मैं भी समाज कल्याण डिपार्टमेंट का मंत्री था, और मुझे अभिमान है कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने की कैबिनेट में मैं मंत्री वहाँ रहा हूँ। मैं कभी मंत्री बनूंगा हमको मालूम नहीं था, लेकिन जब हमने शरद पवार को कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय हमने लिया था, तब कांग्रेस पार्टी की सत्ता ही थी, और उस सत्ता के कारण मुझे भी मंत्री पद पर लेने का निर्णय शरद पवार जी ने लिया, और मैं मंत्री बन गया। ये जिंदगी में कभी मैं मंत्री बनूंगा ये मुझे मालूम नहीं था, और मोदी जी के भी सरकार में मैं मंत्री बनूंगा ये मुझे मालूम नहीं था, खाली नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, और इसीलिए मतलब तो ठीक है। तो इसी तरह मतलब मंत्री का विषय नहीं है, लेकिन बाबा साहब का मिशन यही था कि भाई हमें सत्ता में आना चाहिए। बाबा साहब ने जो लोकतंत्र दिया है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र में चुनकर आना चाहिए, चुनकर आने के बाद सत्ता पर जाना चाहिए, और सत्ता पर जाकर गरीबों की भलाई के लिए निर्णय लेना चाहिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए, यही बाबा साहब का सपना था। और अकेले पार्टी को आज सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, या और कोई भी हो, एक पार्टी को सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोकतंत्र में हमें कोई ना कोई तो निर्णय लेना चाहिए, और इसीलिए मेरी पार्टी NDA के साथ है। जब नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ थे तब मैं मतलब मोदी जी के मैं साथ था, मैं अभी भी मोदी जी के साथ हूँ, कल भी मैं मोदी जी के साथ रहूँगा। मंत्री पर चाहिए तो उनके साथ रहना है, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो हमारी कोशिश है कि आने वाले 2024 में भी मतलब हमारी आप इधर को कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बातें करो, लेकिन जब तक मैं मोदी जी के साथ हूँ तब तक कोई चिंता नहीं है।
और इसीलिए मतलब जनता उनके साथ है। तो ठीक बात है, लोकतंत्र में जो जजमेंट आता है, निर्णय आता है, उसको मान्य करना ही चाहिए। अभी गुजरात में बीजेपी की सरकार आई, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई, हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो कोई बात नहीं है। तो लोकतंत्र में कब क्या होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक बात है। तो इसीलिए आज यहाँ दलित तंत्र के 50 साल के अवसर वर्ष पर आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यहाँ आई है, सभी पार्टी के, मतलब JDU के भी हमारे ठाकुर साहब है, और बाकी RJD के भी, हमारे RJD के भी है, हमारे माजी साहब की हिंदुस्तान, क्या उनकी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, और बीजेपी के ललन पासवान जी है, और पवन जायसवाल भी बीजेपी के हैं। जब ललन पासवान जी मेरे पास आए थे, मुझे चंदन ने फोन किया था कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम रखना है, तो मैं बोला कौन आयोजित करने वाले हैं, तो मैं बोला बीजेपी के है क्या, नहीं तो इधर दूसरे लोग आयोजित करेंगे और मेरा गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो उन्होंने बोला कि भाई ललन पासवान जी ये बीजेपी के है, लेकिन ठीक बात है, यहाँ कोई पार्टी का विषय नहीं है। दलित तंत्र आंदोलन ये सबका आंदोलन था, लोकतंत्र सबके लिए है, संविधान सबके लिए है, और इस पर सभी पार्टी के बीच में चर्चा होती है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह आज यहाँ मुझे यहाँ बुलाया गया है, यहाँ हमारे चंदन जी, संजीव जी चंदन जी, ये दिल्ली में रहते थे, अभी अभी वो इधर पटना में आए हैं। बहुत सालों से मेरा उनके साथ अच्छा संबंध रहा है, दलित प्रांतर आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल भी उन्होंने लिखे हैं, तो उनका संबंध दिल्ली में मेरे साथ हमेशा रहता था। अभी वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पटना में रहने के लिए आए हैं, तो उनका भी आग्रह था कि भाई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज आप सभी लोग, इंटेलेक्चुअल लोगों की उपस्थिति में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मतलब आज इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए आप सब लोगों के बीच में। और ठाकुर साहब तो बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, और पुणे में उसकी उनकी शिक्षा भी हुई है, दिल्ली में भी एक बार वो हमारे हमारी साथ में मुलाकात हुई थी। BR सिट्टी नाम के एक हमारे मित्र है, वो उनके भी अच्छे मित्र है, उनके माध्यम से हमारी मुलाकात हुई थी। तो अच्छा हो गया कि आज अपनी मुलाकात हुई है, लेकिन आगे भी अपन मिलते रहेंगे। और दलित तंत्र आंदोलन का 50वां साल आप लोगों ने बिहार में मनाया, पटना में मनाया, इसको एक अलग सा बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए आज मुझे आज यहाँ आपने बुलाया है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दलित तंत्र का आंदोलन आगे भी इस तरह, मतलब दोबारा दलित तंत्र आंदोलन शुरू करना है या नहीं, इस पर भी हमारी चर्चा चल रही है। हम रिपब्लिकन पार्टी के नाम से काम करते हैं, लेकिन दलित प्रांतर आंदोलन फिर एक बार शुरू करने के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, आज मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसलिए मैं मतलब आप लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। दलित तंत्र एक बहुत बड़ा इतिहास है, दलित तंत्र पर बहुत सारे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कई देशों के स्टूडेंट ने इसमें PhD भी की है, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल में भी इसकी भारी चर्चा है। इसीलिए आज यहाँ दलित तंत्र आंदोलन के 50वें साल के अवसर पर आपने सेमिनार रखा, लोकतंत्र के विषय पर आपने सेमिनार रखा, इसके लिए मैं आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, हमारे माजी साहब भी यहाँ बोलने वाले हैं, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, दलित समाज से वो आते हैं, दलित समाज को मुख्यमंत्री मिलता नहीं है, मिलेगा तो ज़्यादा दिन रहता नहीं है, ये भी मतलब बात है। तो इसी तरह मतलब है, और मतलब ये जब मुख्यमंत्री पर बने थे तब मुझे मालूम है कि वो बहुत बड़े डैशिंग भी आदमी है, बहुत बड़े एक्टिव भी आदमी है, लेकिन डैशिंग आदमी को ज़्यादा दिन टिकने तो ठीक बात है। तो इसीलिए आज मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यहाँ आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय बिहार।